फिर से एक वीडियो, नई वीडियो के साथ स्वागत है दोस्तों। और अभी हम बाबू को हम यहाँ घुमाने के लिए लाए हैं। देखिए एक घर बन रहा है, देखिए यहाँ खाई है, खाई तरफ बाबू जाने खोजता है। उधर नहीं बेटा, अरे बाबू बू बू बेटा। देखिए घर में अकेलेपन लग रहा था, इसको दरवाज़ा बंद करके रखे थे हम लोग, और बार बार बाहर निकलने खोज रहा था खेलने के लिए। सो अभी हम लोग यहाँ आए हैं बाबू को, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का आपको हम थोड़ा सा सीन दिखा दे रहे हैं। घर बन रहा है यहाँ पे, लिंटन सब ढला हुआ है, ईटा बालू सब गिरा हुआ है, बगल में भी बन रहा है। और पूरा इधर आपका खेत दिखेगा, आपका धान उन सब लगा हुआ है, इधर भी बाकी इधर भी बना हुआ है। अरे देखिए बाबू, अभिषेक बाबू कैसे खेल रहा है। खेलने के लिए बहुत इसको शौक है, लेकिन खेलने के लिए आदमी नहीं है इसके पास। बच्चा लोग पहले आता था यशवा खेलने के लिए, वहाँ पे खेलता था, लेकिन पानी आने के कारण हो सकता है घर में पढ़ाई उढ़ाई कर रहा है, और सब घर में ही है, कोई दिख नहीं रहे। देखिए कुछ बच्चा लोग है, लेकिन लोग बड़ा है इसका साइज का, बच्चा लोग सब रूम में ही है, कोई आया नहीं है। अरे अकेले ही मयांग उंग हो चल रहा है, इधर उधर देख चल रहा है। देखिए खेल रहा है किस तरह से, गिरेगा बेटा। अरे इसका सारा पैंट जो है ना, सारा पैंट पानी में भींग गया है, और एक भी सूखा हुआ नहीं है, इसलिए हगीज के हगीज पहना के रखना पड़ रहा है, क्योंकि पैंट है भी नहीं। यहाँ पे लाए हैं, बालू में खेल रहा है, किसे पार हो रहा है। देखिए इधर लगता है बगल में, लेकिन बहुत होशियार है, नहीं जाता है उधर, किसे पार हो रहा है। देखिए बौना दीवाना जैसे दिखता है, ठुपकू जैसे, वो लोग गया ना बचवा लो, तो लोग पीछे पीछे जा रहा। देखिए देखिए कैसे ये लिल्टन में चल रहा है, कैसे पार हो रहा है। देखिए उतरिए, इसका माँ बर्तन धो रही है, और ड्यूटी गए तो उधर से थोड़ा खुखड़ी लाए थे, एक जन अपना खाने के लिए रखा हुआ था, तो हम उसको मांगे 10 रुपया में, और दिया है, तो उसी को संगीता जी बना रही है। तो इसको खेलने मन कर रहा था अभिषेक बाबू को, तो ही लाए हैं इधर। शाम भी हो कि हम लोग घर आ गए हैं वहाँ से, और बाबू कैसे रो, 6:30 बजे 7 बजने जा रहा है। क्या हुआ बेटा, आओ आओ ओ, धोना है गाड़ी को। और ये देखिए हम जो खुखड़ी लाए थे ना, ये रहा, आप लोग इसको क्या बोलते हैं जानते हैं कितना का है? ये 10 रुपया का है। ये वो लोग अपना खाने के लिए मतलब इसको रखे हुए थे। ये खुखड़ी है जो कि हम घूमने गए थे, तो इसको हम बोले कि दीजिए इसको,
तो ये दिए हैं, और अभी ना खुखड़ी निकल ही नहीं रहा है, तो मिल ही नहीं रहा है। 10 रुपये का बहुत ज़्यादा है इसको, अगर बहुत ज़्यादा महंगा है। 200 रुपये के जी ना, 200 रुपये के जी ये वाला खुखड़ी है। अगर इसको खरीदने जाने से ना 50 रुपये ले लेता है, इसको आराम से लेता है 50 रुपये। एक पाव है न रे, एक पाव हो जाएगा। देख चीजिए यहाँ पे बना रही है संगीता जी। नहीं बेटा उसको नहीं, नहीं। और ये चावल चढ़ गया है। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि खुखड़ी का सब्जी किस तरह से बनाते हैं, और सादा और देहाती मॉडल में, झारखंडी मॉडल में किस तरह से बनाया जाता है। आप लोग देखिए, कुछ नहीं इसमें, कुछ लंबा कुछ व्यंजन नहीं है। अब देखिए इसमें प्याज कटिंग हुआ है, और संगीता जी तभी ये धो रही थी, इसको अच्छा से धो दी है और इसको कटिंग की है, और यह प्याज कटिंग हो रहा है। प्याज के बाद क्या डालिएगा? प्याज मिर्चा, प्याज होगा और मिर्चा होगा ना, टमाटर तो गाइस हम क्या कहेंगे, विश्वास कीजिएगा। जब से टमाटर महंगा हुआ है ना, पहले तो खा रहे थे हम लोग, लेकिन कब से छोड़े हैं, 15 दिन हो गए ना कि 10 दिन? 10 दिन ना, 10-15 दिन लगभग हो रहा है। पहले खा रहे थे, लेकिन एक पाव लाते थे तो 40 रुपये का चार पाँच गो इसे चढ़ता था। हम बोले कि छोड़ो हटाओ, फिर महंगाई इतना ज़्यादा हो गया ना, और इसलिए हम लोग टमाटर लाना ही पूरा बंद कर दिए, पूरा बंद। और ले सकते हो ऐसे बात नहीं है, लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा है ना, और थोड़ा बजट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खाने पीने में ही सारा पैसा को खर्च कर देंगे तो फिर कुछ सेविंग भी ज़रूरी है। तो इसलिए टमाटर नहीं डालेंगे, बस मिर्चा और प्याज डालेंगे, और स्वाद इसका कैसे लगेगा आप लोगों को हम लोग खा के दिखाएंगे। आप लोगों को तो नहीं देंगे, क्योंकि अगर खाना रहेगा तो आइएगा, कभी आप लोगों को खिलाएंगे। सो हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, फिलहाल तो खाना चढ़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, और हम लोग का खाना डबक रहा है, देख लीजिए ये रहा, और चावल हो गया है लगभग, ये मिर्चा उर्चा प्याज उच कट रहा है, बस इसको बनाने के लिए आप रेडी है। सो आप लोग बने रहिए, हम लोग अभिषेक बाबू मालकिन लोगों का घर में खेलने के लिए गया है। सो बने रहिए, कैसे बनता है हम आप लोगों को दिखाते हैं। खाना उना उतर गया गाइस सर, यहाँ पे कढ़ाई चढ़ गया है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल डला दिया, मिक्सर भी डला दिया, और देखिए यहाँ पे उसके बाद ये प्याज डलाएगा, ये रहा प्याज चढ़ गया, और हम लोग का भी ये प्याज और मिर्चा को थोड़ा सा चल ब्राउन होने देंगे, उसके बाद खुखड़ी को डाला जाएगा। सो हम लोग का खुखड़ी भी डला गया है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे खुखड़ी को भी हम लोग भूंज रहे हैं। हम इसको खुखड़ी बाल बार बार बोल रहे हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और देखिए अभी ये भुंजा रहा है, अब इसको थोड़ा ढक देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सीझे। तो गाइस हम लोग का खुखड़ी बन की रेडी हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे,
ये रहा। अब इसको हम गैस बंद कर देंगे। इसको हम गैस बंद करते हैं। तो गाइस अभिषेक बाबू परेशान कर रहे हैं मालकिनों का घर में बार बार जाने के लिए। आप आते कहेंगे और हम लोग का खुखड़ी बन के रेडी हो गया। और ये तभी बनाई थी संगीता आलू और बरी का सब्जी, ये रहा। और चावल है। सो टेस्ट करके देखते हैं कैसे बना है। बहुत अच्छा है। टमाटर ना तो बहुत अच्छा है लेकिन तब भी है और अच्छा है। तो बाबू मोबाइल को थपड़ा रहा था। ले बेटा नहीं, अरे बाबू को खिलाए। कैसे लगा? कैसे लगा? कैसे लगा? खुखड़ी को पहली बार खिला रहे बोल रहे हो? का दिया लो बेटा। सो गाइस हम वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।